नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उज्जल अग्रवाल और आप देख रहे हैं फिन उज्जल। आज हम बात करने वाले हैं हीरो मोटोकॉर्प के एमडी, सीईओ और चेयरमैन श्री पवनकांत मुंजाल के बारे में। हाल ही में ईडी ने पवनकांत मुंजाल की 3 संपत्तियां जब्त की हैं, जिनकी कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए है। ईडी का मानना है कि मुंजाल ने आरबीआई की स्कीम एलआरएस, जो देश के रहवासियों को हर फाइनेंशियल ईयर में $2.5 लाख तक का ट्रांजैक्शन उनके करंट कैपिटल अकाउंट से करने की अनुमति देती है, उस स्कीम का दुरुपयोग किया है और 54 करोड़ रुपए विदेश पहुंचाकर उन्हें अपने निजी खर्चों के लिए इस्तेमाल किया है। इस बात की जानकारी डीआरआई ने ईडी को अगस्त में ही दे दी थी, जिसके बाद मुंजाल के 12 और परिसरों पर ईडी ने छापे मारे थे और लगभग 25 करोड़ रुपए पहले भी जब्त किए थे। ईडी का मानना है कि मुंजाल ने अपने पैसे विदेश पहुंचाने के लिए एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का सहारा लिया, जो मुंजाल के बाहर पहुंचते ही उनके रिलेशनशिप मैनेजर के अकाउंट में सारे पैसे पहुंचा देते थे। फिर मुंजाल के रिलेशनशिप मैनेजर उसे कार्ड या कैश के रूप में लेकर मुंजाल के साथ घुमा करते थे। ये खबर 9 नवंबर को जब आई तो दलाल स्ट्रीट में हीरो को एक झटका लगा और 2.5% गिरकर हीरो का शेयर बंद हुआ। आज लगभग एक हफ्ते बाद हीरो ने फिर तेजी पकड़ी है और 3.5% के ऊपरी लेवल पर आज बंद हुआ है। पर अगर ईडी आगे भी कदम उठाती है तो हीरो की स्थिति दलाल स्ट्रीट पर थोड़ी सी बिगड़ सकती है।